जनपद हमीरपुर के राठनगर स्थित इंडस वैली पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आशीष नेहरा पहुंचे। आशीष नेहरा के पहुंचते ही बच्चों और स्टाफ ने उनको फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि नगर में लगभग 3 वर्ष पूर्व अकेडमी का शुभारम्भ किया गया था, जिससे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके के बच्चे अकेडमी में प्रवेश लेकर अपने खेल की प्रतिभाओं को निखार सके। उन्होंने कहा कि देश में कई अकेडमी चल रही हैं, जहां समय समय पर पहुंचकर बच्चों को क्रिकेट संबंधी टिप्स दिए जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि उन छात्रों ने क्या सीखा और उसका बारीकी से निरीक्षण भी किया जाता है। जहाँ उनमें कोई कमी होती है उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। सारा हिस्सा ही मैं तो कहूँगा कि हुआ है कि मेरे को कभी ऐसे टीम में आने में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, पर हर बार जब चोट लगती थी या कोई बड़े बड़े मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बीच में मैंने डेढ़ साल इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, डोमेस्टिक में ज़्यादा नहीं खेली कि एक साथ 2-3 सर्जरी हो गई। बट मेरा हमेशा ये मानना है कि जो इतनी सारी चोटें लग हुई मेरे को, इतनी सारी सर्जरी हुई हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो जैसे भी आपने बोला कि बतौर कोच मैं या मैं जो कमेंट्री करता हूँ तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ लोगों को, उस चीज़ों से जो जो मैंने सीखा मैं चाहता हूँ ऐसे कोच ऐसे कमेंटेटर जब आप व्यूअर से बात करते हैं कि बाकी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो गलती ना करें। तो मेरे को काफ़ी कुछ मिला है सीखने को चोटों से, और मेरा जितना भी कैरियर है उसमें तो देखिए इंजरी से प्रभावित रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने बीच बीच में काफ़ी सारे मैचेज मिस किए, पर जो हो गया उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, जो मेरे से बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया। इसीलिए मैं 39 साल की उम्र तक खेल भी पाया, कि कई बार क्या होता है कि अगर आपको मैंने बड़े बड़े कैरियर्स ऐसे देखे हैं कि जो 25-26-27 में बिल्कुल ख़त्म हो गए कि उन्होंने अपने आप को उतना पुश नहीं किया, या उस समय आप कह सकते हैं 20-30 साल पहले कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह जा जाके सर्जरी कराई है, अपने पैसे दे के भी कराई है। कई बार BCCI रिइंबर्स करता था, बाद में मैं किसी की वेट नहीं करता, तो उसका मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मेरा कैरियर काफ़ी लंबा रहा, और उसका मुझे और फ़ायदा हो रहा है उस एक्सपीरियंस का, कोचिंग और कमेंट्री।